हाय गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। बहुत रॉ व्लॉग है ये, बहुत बोलूं सडन व्लॉग है, क्योंकि ऐसा सच व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था ना मोटिव था, पर चलते चलते मूड बन गया कि लेट्स मेक अ व्लॉग, कि आप लोग कुछ दिखाएं कि भाई केदारनाथ की यात्रा कैसे कैसे आप शुरू कर सकते हो, तो कहाँ से हमने बस ली, फिर कहाँ गए, फिर क्या क्या हुआ, पूरा वो अच्छी तरीके से इस व्लॉग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगा ये व्लॉग और काफ़ी हद तक एंटरटेनमेंट भी होगा इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे ऐसे प्राणी हैं, तो ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट होगा। और अगर कुछ गलतियां हों तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि हम कोई व्लॉगर नहीं है, बस हम लोगों ने ट्राई किया। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फॉर श्योर हम लोग और व्लॉग्स लेकर आएंगे आपके लिए। तो इस व्लॉग के ऊपर अपना प्यार बरसाएं अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की और कंटेंट आपके लिए हम लेकर आएं। इनको डर वर नहीं है बिल्कुल, हाँ खुल जाता है। हम लोग आ गए हैं, बस मिल गई है हमें, ऋषिकेश तक की मिली है, अच्छी बात ये है। अगर और तो फिर ऋषिकेश दोबारा लगना पड़ता, पर यहाँ पे डायरेक्टली ऋषिकेश की मिल गई है, गुड थिंग। एंड तो ऋषिकेश से हमें फिर फोन पैक करना है, ऋषिकेश वालों के लिए हाथ खड़ा हुआ। 6 hours later. ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, सुनने की बहुत प्रयास करी पर नहीं हो सकते यार, आप बस हम आपको सोने नहीं देंगे। इट्स द रीजन सो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बाकी वहां का व्यू बहुत प्यारा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बाहर तो कोई भी अच्छा व्यू देख रहे हैं, बाहर इतना हिल रही है बस, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एनी वेज जब बस रुक जाएगी और आगे आगे तो बस सारे हमको मिलेंगे अच्छे अच्छे सीखने के लिए। हम लोग यहाँ पे अभी एक टैक्सी करते हैं, अभी आप टैक्सी लेंगे फोन प्लस फोन पे कर देंगे, बड़े ज्यादा ही कट कट और थोड़ी नींद पूरी हो गई, तो बड़ी मुश्किलों के बाद में फाइनली अब सो गया। तो हम लोग अभी बैठे हैं बेसिकली ट्रैवलर, हमारे ट्रैवलर यही है तो सारी वीडियोस का एडिटिंग करना, अगर कुछ गूगल पर करता है तो उसको आपको करना है। रोशन ऑफिशियल मतलब रोशन कुमार डॉट ऑफिशियल, और ये इंटर्न है हमारे भी नया नया सीख रहे हैं, आगे आप इन्हें पकड़ सकते हो अगर कुछ भी एडिटिंग में गलती होगी। आगे देखते हैं, बढ़िया चल रहा है सफर। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, देव प्रयाग पहुंच गए हैं, एंड आपको भाई टाइप कुछ चीजें दिखाते हैं। देखो ये लखनंदा है, ये भागीरथी है, और ये आगे मिलके हमारी गंगा नदी बन जाती है। और ये भाई साहब देखो इनको डर वर नहीं है बिल्कुल, रेलिंग पार रहे हैं मसल एक्सपीरियंस चल रहा हूं, पर थोड़ी गर्मी लग रही है, और मेरे को आम इतना पसंद नहीं है, पर ऐसे पेड़ पे लटका हुआ आम देख के ना पता नहीं बचपन की याद से आती, बस तोड़ने का मन करता है। खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंगो शेक भी लेता हूँ पर ऐसे खाना पसंद नहीं है, बट ऐसे देख के मजा आ रहा था। अगर आप भी ऐसे तो कमेंट में जरूर बताना। खैर अभी हम जा रहे हैं माता के मंदिर, जो ऐसा माना जाता है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया है भाई साहब ने, कि केदारनाथ बेसिकली उत्तराखंड में प्रलय आई थी 2013 में, और इसलिए आई थी क्योंकि इस मंदिर को छेड़ा गया था सरकार द्वारा, तो सरकार ने जिस दिन छेड़ा उसके 4-5 दिन बाद प्रलय आ गई, बादल जो फटा था। और लेकिन ये मंदिर आज भी एकदम अच्छे से स्थित है, चलो दिखाते हैं आपको ऐसा मंदिर। तो ये गेट है, वो रहा मंदिर, आधा किलोमीटर है जी, सही चलते हैं। ये आदमी हमें इतना डिमोटिवेट करने में लगा हुआ है तब से, यहाँ पे थोड़ी सी स्टीप ज्यादा है, मतलब ढलान ज्यादा है, तब से बोलने में लगा हुआ है भाई केदारनाथ में तो इससे ज्यादा है, अरे अभी से नहीं
शुरुआत से, लाइक ट्रिप की शुरुआत से। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अगर हम बीच में दम हारे तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण होगा ये। अपन जा रहे हैं, पूरा सिविलाइज कर दिया इस एरिया को भाई। यहाँ बहुत बहुत सही हवा चल रही है। धरती मिल रही, इतना धूप पे चल के आए मंदिर के पास पहुंच गए। आनंद दर्शन डन। बट उधर था मंदिर, दर्शन आए तो नाउ फीलिंग गुड। बाहर देखो मौसम, मौसम देखो यार। गाइस हम लोग फाइनली केदारनाथ के ट्रैक के लिए तैयार हो गए हैं और हो गए एक आधे घंटे की नींद ले ली है। हाँ, एक घंटे की नींद ले ली है। अगर ये भाई साहब हमें सोने देते जल्दी, हम आपको सोने नहीं देंगे, तो हम शायद डेढ़ घंटे की नींद ले लेते। हंस रहा है फालतू में, हंस रहा है पता नहीं क्यों हंस रहा है। अभी हम लोग आए हैं थोड़ा चाय पीने के लिए, आए हैं कि नींद खोल ले, क्योंकि सही से तो ऑब्वियसली आधे घंटे या 45 मिनट क्या ही नींद पूरी होती है, बस कमर सीधी हुई है। एनीवेज, और एक नए पार्टनर और मिले हमें, सूरज नाम है इनका, ये वेस्ट बंगाल से हैं। और हम लोग भी निकल रहे हैं केदारनाथ के ट्रक पे, बस चाय पियेंगे, सामान उठाएंगे और विल गो। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं अपने केदारनाथ के ट्रक पे। कुछ हमारा वो टीवी है। How are you feeling, bro? Nice. Guys, हमने अपनी अलग कड़ ले ली है, हमारे साथी होने वाली है पूरे ट्रैक की, चारों ने ले लिया एक्चुअली, और निकल पड़े हैं हम अभी। किस तरफ को निकले हैं सर? ये हमारे गाइड सोनप्रयाग, अभी हम लोग पहुंचे हैं गौरीकुंड से, निकल चुके हैं। मतलब निकलने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कीचड़ बहुत है यार, क्योंकि कल दबा के बारिश हुई है, जो हमारे से हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे क्योंकि बारिश बहुत 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 तगड़ी थी। मतलब जो एस्टिमेटेड रास्ता 4 घंटे का था, हमने 9-10 घंटे में तय किया था क्योंकि जाम बहुत लग गया था। ये भाषा बता रहे हैं कि पिछले साल आए थे, कि ये सब बहुत डेवलप हो गया है, पहले पूरा पहाड़ था, अभी दुकानें बन चुकी हैं। जाने के लिए हमें लेनी होती है ऐसी कैब, देखिए तो भरा भरा यहाँ पे आगे दो बैठे हुए, एक बैठा दिया, एक बैठा बहुत मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। सही टाइम पे आ गए तो ही मिलता है, इसलिए हम 1:30 बजे निकले। अभी समय 2:30 बज गए। किस्मत हमारी इतनी अच्छी थी, जैसे ही पहुंचे यहाँ पे, पहुंचते ही हमें भैया सामने दिख रहे, और चार ही लोगों की जगह भी थी, बस हम चार ही लोग थे। बोला बोल रहे हैं आराम से भैया। गाइस फाइनली वी आर ऑन आवर केदारनाथ ट्रैक। हम अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं एंड हम लोग पहुंच चुके हैं। ब्लॉगर, यस ब्रो, ब्लॉगिंग लाइव। तो देख सकते हो आप, ऐसे कुछ आपको बोर्ड मिलता है 50 रुपए की, यहाँ से आपको टिकट मिलती है 50 रुपए की, टिकट नहीं 50 रुपए की कैब थी, 50 रुपए की कैब करके आप आ जाते हो। पहुंचे भाई गौरीकुंड। हाँ यार गौरीकुंड है, तो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड की 50 रुपए की ये मिल जाती है कैब टाइप है, बोलेरो। चढ़ना शुरू कर देते हैं गाइस, हम जा रहे हैं गौरीकुंड में स्नान करने। खैर मैंने तो कर रखा है, ये दोनों हैं मलिच्छराज, गजब बेइज्जती है। पर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ही मामला खराब, अगर ठंडा ना हो ना तो पता ना चले कि आगे कैसा सिस्टम है। सिस्टम पार देंगे, सॉरी सांस फूलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है सिस्टम ऐसा। बगल में अलकनंदा ने भागीरथी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मंदाकिनी नदी बह रही है,
कुंड आ चुके हैं और यहाँ पे जो कार बगल में ठंडा पानी बह रहा है, लेकिन लोग अंदर से नहा के आए हैं और उनका आप देख सकते हैं ऐसे भाप उड़ रहा है क्योंकि बहुत गर्म पानी है उस कुंड के। मस्त गर्म पानी है, मतलब मस्त गर्म, मस्त गर्म। आप देख सकते हो जो भाप ही उड़ रही है उसे देख के समझ में आ रहा होगा कितना गर्म पानी है। और ये है पूरी शकान उतार लेता शरीर की। अच्छा था मस्त थकान तो जितनी थी उतर गई है और हम फाइनली जरा रिफ्रेशिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जय गाइस, 1 kilometer ट्रैक इज डन। ये कैसे हालत अति नाइस, वेरी गुड। मैं तो बोल नहीं पाऊंगा पर दिखा पाऊंगा ज्यादा। दोस्तों चढ़ाई करना पहले बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, मजा तो अभी भी आ रहा है, बस थोड़ा सा सांस फूल जाता है। और वो बैठे हमारे बाबा उधर बीच में, चलते धीरे धीरे चल रहे हैं पहुंच जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग कितना 4 kilometer चल चुके हैं, 4 kilometer हम लोग ट्रैक पे आ चुके हैं, 20 kilometer भी और बाकी है। साहस कर रहे हैं, जा रहे हैं, बस ये दृश्य है ना, ये दृश्य हमें दे देता है, हमें दे देता है अंदर से शक्ति। तुम चलो बेटा, बाबा ऊपर इंतजार करते हैं। गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वेल, ये part 1 था व्लॉग का और अभी काफ़ी लंबी जर्नी बाकी है केदारनाथ की, तो हम पूरा तो ऐसे 30-40 मिनट की मूवी तो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और मैं वैसे लाइक जहाँ पे मैं हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ, वहाँ से बाय व्लॉग को ख़त्म इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल हूँ नहीं और मुझे इतना पता है नहीं कि कब व्लॉग को ख़त्म करना होता है, तो इसलिए हम बाद में इस व्लॉग का इंट्रो और आउट्रो बना रहे हैं। स्टिल आई होप सो आपको जो कॉन्टेंट है व्लॉग के अंदर का वो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो भैया लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इस व्लॉग के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि यार इस तरीके के और रॉ चीज़ें हम लोग लेकर आएँ तो ज़रूर नीचे कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप चाहते हो part 2 इस व्लॉग का जल्दी आए तो आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आई ऑलवेज से दिस, मे बी इट्स द बिगनिंग ऑफ समथिंग बिग, सो मे बी अगर आप लोग का प्यार दिखता है तो हम व्लॉग के ऊपर अपना जी जान लगा के आपके लिए व्लॉग का कंटेंट लेकर आएंगे। अच्छा अच्छा राइट, ऑल राइट, सी यू गाइस सुपर सून इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। टिल द टाइम कीप हसलिंग एंड लेट्स चेंज द गेम टुगेदर दोस्तों।